ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस बनाने के लिए मैंने पहले बता दिया था कि किसी भी फंक्शन में आपको एक्स की जगह पे डेल्टा एक्स और वाई की जगह पर डेल्टा वाई रखने पर डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू सेम आ जाती है। तो उस कंडीशन में उस वो इक्वेशन जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। उसके बाद वाई इक्वल टू वी एक्स या एक्स इक्वल टू वी वाई, दो ऑप्शन अपने पास मिलते हैं जिनको अपने को सब्स्टिट्यूट करना होता है। ठीक है, जनरली इसमें एक्स अपॉन वाई एक्स अपॉन वाई एक्स अपॉन वाई दिख रहा है, तो मेरा टारगेट रहेगा कि एक्स अपॉन वाई को ही मैं वी एज्यूम करूं। ठीक है, जब एक्स अपॉन वाई को ही वी एज्यूम करूंगा तो मेरे पास आएगा जो वैल्यू है वो डी एक्स अपॉन डी वाई आएगा। तो इधर भी मुझे डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू चाहिए। तो करते हैं स्टार्ट, डी एक्स अपॉन डी वाई चाहिए मुझे, तो डी एक्स को मैं इधर रखूंगा और डी वाई वाली वैल्यू को मैं उधर लेके जा रहा हूं, है ना। तो 1 प्लस ई पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई एक्स अपॉन वाई ई पावर में 1 माइनस एक्स अपॉन वाई और डी वाई। इस डी वाई को यहां से हटाया, ये यहां पर डी वाई आ गया, इसको यहां से हटाया, ये इसके अपॉन में आ गया। तो 1 प्लस ई पावर एक्स अपॉन वाई। ओके, सबसे पहला काम यह करना है, तभी तो अपन रखेंगे। अब यहां पर आप आराम से रख सकते हो एक्स की जगह पे डेल्टा एक्स। यहां पर देखना, मैं वेरीफाई कराता हूं कि होमोजेनियस है कि नहीं। एक्स की जगह डेल्टा एक्स, वाई की जगह डेल्टा वाई कट जाएगा, एक्स अपॉन वाई आ जाएगा। यहां पर भी एक्स की जगह डेल्टा एक्स, यहां पे भी ऊपर नीचे कट जाएगा। यहां पर 1 है इसे 1 प्लस, यहां पे भी रखो कट जाएगा। तो सेम टू सेम वैल्यू आ जाएगी आदमी, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को बनती है। कर लोगे ना चाहिए किसको? अब बात करते हैं यहां पर, तो यहीं से अपन स्टार्ट करते हैं। एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वी, यानी ये क्या बन जाता है, एक्स इक्वल टू वी वाई, जबकि वहां पर अपन एज्यूम कर रहे थे, क्या एज्यूम कर रहे थे, वाई इक्वल टू वी एक्स, है ना। ये इस वाले क्वेश्चन की तरफ देखो, इसमें ये होमोजीनियस जब बनेगी तो इसमें अपने को ये एज्यूम करना पड़ेगा। चलो अब बात करते हैं कि एक्स एज्यूम कर दिया तो वाई के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वाई के रेस्पेक्ट में चल रहा है वी डॉट 1 प्लस वाई डॉट डी वी अपॉन डी वाई। अब क्या आएगा, डी वाई आ जाएगा। तो वी प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स रखना है इसकी जगह पे। ओके, रखते हैं वी प्लस वाई डॉट डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस यहां पर, ठीक है, एक्स अपॉन वाई की जगह सीधा वाई वी रख दो, ई पावर वी ब्रैकेट 1 माइनस वी, ओके, अपॉन 1 प्लस ई पावर वी। देखो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट से अपन चलेंगे तो ये वी की टर्म में आ गए। अब अगर ये नहीं एज्यूम नहीं करेंगे, वाई वाला करेंगे तो 1 अपॉन वी आएगा, है ना। वाई डॉट डी वी अपॉन डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा। तो इसका वैल्यू का अपन ले लेते हैं एलसीएम, 1 प्लस ई पावर वी। तो 1 प्लस ई पावर वी का ये तो यहीं पर रह जाएगा, तो इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस ई पावर वी माइनस माइनस प्लस वी ई पावर वी, ये तो इन दोनों का हो गया। ये इधर जाएगा तो माइनस साइन लगेगा, माइनस के साथ में ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस वी, और माइनस वी डॉट ई पावर वी। ओके, एलसीएम भी ले लिया है, तो ये देखो ये वाला पार्ट तो इस वाले पार्ट से कट गया, तो यहां पर बचेगा माइनस कॉमन लेने के बाद 1 ई पावर वी प्लस वी। तो अब इनको भी सब कर देते हैं, वी वाली सारी वैल्यू इधर लानी है,
डीवी की तरफ आ जाएगा वन प्लस वी ई पावर वी अपॉन माइनस को उधर ही छोड़ रहा हूं, ये यहां पे माइनस कॉमन लेग पे करने के बाद आ जाएगा वी प्लस ई पावर वी और डीवी। अब इधर क्या बचेगा, इन माइनस इधर डीवी डीवाई अपॉन वाई लगाया इंटीग्रेशन का साइन हो गया, दोनों को दोनों क्वेश्चन सिंपल हो गए। इसमें भी सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, वी प्लस वन अपॉन वी को अगर मैं टी पुट करता हूं तो वन प्लस ई पावर वी ऊपर आ रहा है। ओके, तो इसका लॉग वी प्लस ई पावर वी आंसर, इसका माइनस लॉग वी आंसर। ठीक है, सब तरफ लॉगरिथम आया हुआ है तो प्लस लॉग सी आपने मान लिया। ठीक है, इसको भी सोल्व कर लेते हैं, लॉग ये आ जाएगा सी अपॉन वी और इधर ये वाली वैल्यू है इसे, तो ये इससे कैंसिल हो गया। फाइनली बचता है वी प्लस ई पावर वी इज इक्वल टू सी अपॉन वी, वी की वैल्यू अब आप वापस रख देंगे वाई अपॉन एक्स अपॉन वाई प्लस ई पावर एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स अपॉन वाई, यानी कि सी वाई अपॉन एक्स। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, इसको आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, दैट इज योर फाइनल आंसर। इसको मैंने लास्ट तक कंप्लीट कर दिया था, कल वाले क्वेश्चन को तो मैंने यहाँ पर ही छोड़ दिया था कैलकुलेशन, लेकिन ये अब डायरेक्ट आंसर तक पहुंच गया है। वाई की वैल्यू इस तरीके से लास्ट में रखी वी की वैल्यू। अब आप बता करते हैं कि एक बार और वापस पुराने मेथड से, इसमें एक्स अपॉन वाई दिख रहा है तो अब क्या होगा, तो इसमें मैं निकालूंगा डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। अपन देखते हैं डी एक्स वालों को इधर लेके जाना है तो माइनस साइन आ गया, एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन ये डी एक्स इधर आ गया और इसके मल्टीप्लाई में क्या है ये एक्स यहाँ पर अपन को लिखते हैं। ये अब वेरीफाई कर लेते हैं, एक्स की जगह पे डेल्टा एक्स रखा यहाँ तो कैंसिल हो गया, यहाँ डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई, डेल्टा कॉमन आ जाएगा और सेम टू सेम वैल्यू आ जाएगी, दैट मीन्स होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लाइन अपनों को लिखनी है क्या, उसके बाद ही आप ये ज़ूम करेंगे। सो पुट एक्स अपॉन वाई सॉरी वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी, दैट मीन्स वाई इक्वल टू वी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। यहां पर भी वैल्यू रख देते हैं वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की जगह पे एज इट इज रखना है, ये हो गया साइन स्क्वायर वी माइनस वी एक्स अपॉन एक्स। अब देखो इसमें ऊपर एक्स कॉमन लेके कैंसिल हो रहा है तो ये आ जाएगा यहां पर माइनस ब्रैकेट साइन स्क्वायर वाई वी माइनस वी अपॉन अपॉन तो मैं तो आ गया वन। ठीक है, अब ये उधर जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये उधर जाएगा माइनस साइन स्क्वायर वी और माइनस माइनस प्लस वी और ये उधर गया तो माइनस वी हो गया, तो वी से वी कट कट गया इसमें, तो अपने पास आ गया फाइनली डी वी अपॉन साइन स्क्वायर वी इज इक्वल टू ये माइनस साइन यही छोड़ा डी एक्स अपॉन एक्स ये इंटीग्रेशन का साइन दोनों तरफ। ओके, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर वाई हो गया, कोसेक स्क्वायर वाई का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट एक्स है ना, तो कोट वी हो गया इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी या प्लस सी ही रख दो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो क्योंकि आया हुआ ही नहीं है, ये आपके
माइनस को भी हटा दो तो कोट वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू, इसके भी माइनस लगा दो तो ये माइनस पूरी तरफ से हट गया, इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। ये आपके आ गया है इसका आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है। इसका आंसर चेक कर सकते हैं, ये इसका फाइनल आंसर है। ओके, दैट इज सेकंड मेथड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट मेथड सेपरेबल वेरिएबल एंड सेकंड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नोट करिए इसको।